काफी टाइम से एक ऐसी एनिमे सीरीज की तलाश में था जो लाइट हार्ट हो, मतलब कि जिसमें ज्यादा इमोशनल मैं ना हो पाऊं, मतलब उसमें रोना ना आए एटलीस्ट। क्योंकि कुछ टाइम से जो मैंने ऐसी एनी मूवी देखी जैसे आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज, ए साइलेंट वॉइस, ये इतनी ज्यादा यार मुझे इमोशनल कर देती थी और रोने पर मजबूर भी कर देती थी। मैं यार सच में इनसे निकलने मुझे टाइम लग गया, तो मैं ऐसी लाइट हार्ट एनिमे सीरीज देखना चाह रहा था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ से आई लव यू एनिमे सीरीज के बारे में, जिसमें टोटल 13 एपिसोड है। और ये जो सीरीज है वो दो टीनेजर्स की लव स्टोरी, यार मैं कहूँ कि उनके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इस एनिमे सीरीज की कहानी शुरू होती है एक लड़की मे ताचिबाना नाम की एक लड़की है, उससे मे के बचपन में उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि अब उसको कोई भी दोस्त बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जो दोस्त होते हैं वो पीठ में छुरा घोंप देते हैं, वो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती। तो बचपन से उसने किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया, अपने नजदीक नहीं आने दिया, वो बिल्कुल चुपचाप रहती है, बात भी किसी से नहीं करती। और उसे एकदम बिल्कुल सिंपल सा और कोई फैशनेबल ऐसा नहीं दिखाया गया, बहुत ज्यादा सिंपल चुपचाप रहने वाली एक ऐसी लड़की दिखाया गया। अपनी माँ के साथ रहती है, स्कूल से जो है वो एक पार्ट टाइम जॉब पे जाती है, जॉब से सीधा अपने घर पे जाती है, ये उसका रूटीन होता है। इस एनिमे सीरीज के अंदर जो रिलेशनशिप दिखाया गया है टीनेजर्स के, उसमें क्या दिक्कत आती है जब कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करता है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इन सब चीजों के ऊपर इसमें फोकस किया गया है। मे के स्कूल में ही पढ़ने वाला एक लड़का होता है यामातो कुरोसावा, जो उस स्कूल में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा हैंडसम लड़का इसमें दिखाया गया है, और सारी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। और एक दिन बाय इंसिडेंट या बाय एक्सीडेंट ये जो मे से मिल जाता है और ये मे को पसंद करने लग जाता है, लेकिन मे के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो यामातो को पसंद करे, क्योंकि उसने बचपन से ही किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, तो उसने कभी किसी को ऐसी नजर से देखा भी नहीं। अब यामातो की भी एक स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है कि उसके बचपन में उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि वो उस चीज से उभर नहीं पा रहा, उससे वो कोशिश कर रहा है बाहर आने की। इवन मैं ये कहूंगा कि इस सीरीज में हर एक करेक्टर की इसमें कहानी दिखाई गई है, उसके पास्ट में उसके साथ क्या दिक्कत थी जिससे वो काफी ज्यादा डिप्रेस है, उससे चीजों से उभर नहीं आ पाई। मतलब ये अच्छी चीज है कि हमें और बाकी करेक्टर की कहानी दिखाकर, उनके ऊपर फोकस करवाकर, हमें उनके बारे में बताकर उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। यामातो बार बार मे से मिलता है और उसको अपने दिल की बात कहता है, तो मे धीरे 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 अपना उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है, और उसके जो दोस्त होते हैं यामातो के उनको भी ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और ये सब चीजें कोई एकदम से नहीं होती, धीरे 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 चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। अगर इमोशनल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि कुछ एक जगह हमें ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। पर इस एनिमे सीरीज की एक काफी ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर जो सुंदरता दिखाई गई है वो शरीर से नहीं, चेहरे से नहीं, बल्कि व्यवहार की सुंदरता दिखाई गई है। इसमें ज्यादातर फोकस इस बात पे दिया गया है कि दोस्त रुपयों के दम पे नहीं या खाने के दम पर नहीं या अपने घर बुलाकर नहीं, बल्कि उनसे कनेक्ट होकर, उनकी प्रॉब्लम सुनकर, उनके साथ उनका दुख बांटकर दोस्त बनाए जाते हैं। हमारी लाइफ में दोस्त कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट सकते हैं ये सीरीज अच्छे से हमें बताती है। मैं धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करती है। स्टार्टिंग में जैसे उसको बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ रही थी, जब वो यामातो के साथ जाती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो कहते हैं कि ये देखो एक अगली लड़की एक हैंडसम लड़के के साथ जा रही है। बल्कि इसमें यामातो को एक बहुत अच्छा एक करेक्टर दिखाया गया, उसने जब एक उसके पास एक बहुत ज्यादा सुंदर एक लड़की उसको आके कहती है कि वो उससे उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, उसके बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है उसको, तो यामातो कहता है कि मैं किसी को भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा देख कर आते हैं। तो काफी ज्यादा एक अच्छी चीज लगी कि इसके अंदर जो सिर्फ इसलिए वैल्यू नहीं देनी कि सामने वाला कितना सुंदर है, बल्कि वैल्यू इसलिए देनी कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है। और मैं अपना कॉन्फिडेंस गेन करके प्रॉब्लम से भागना छोड़कर प्रॉब्लम को फेस करना शुरू करती है। देखो यार, इसके अंदर 13 एपिसोड है, और इन 13 एपिसोड की पूरी डिटेल से कहानी बताना इस 4-5 मिनट की वीडियो में मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि यार प्लीज जाकर इस एनिमे को देखें और खुद फील करें कि इसके अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है, आपको सेटिस्फेक्शन इसमें मिलता है। एक रिलेशनशिप इसके अंदर दिखाया गया है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स, फिर फ्रेंडशिप के ऊपर जो फ्रेंडशिप जो जुदा हो गए थे वापस उनका मिलना, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, इन सब चीजों के ऊपर इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारे जो दोस्त होते हैं एक बार जब उनसे अलग हो जाते हैं, वापस उनसे मिलने की बात होती है, एक बार लड़ाई होने के बाद जब हम उनसे वापस मिलते हैं तो सॉरी को मुश्किल से ही बोलता है, क्योंकि एक दूसरे का ईगो जो हर्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है मुझे। डेफिनेटली आपको इसके अंदर लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8/10 स्टार। अगर किसी ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो यार, काफी ज्यादा अच्छी एक एनिमे सीरीज है। और हमारे देश में ज्यादातर एनिमे सीरीज इसलिए लोग नहीं देख पाते, उससे इसलिए कुछ सीख नहीं पाते क्योंकि वो ज्यादातर इंग्लिश में होती है, या तो इंग्लिश में डब मिलती है या इंग्लिश में उसके सबटाइटल मिलते हैं।
बट यार जो चीजें अच्छी होती हैं उसको देखना जरूर चाहिए। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब देखने शुरू करोगे, नीचे सब टाइटल आएंगे, जब उनके मीनिंग खुद ढूंढना शुरू करोगे तो उससे बहुत ज्यादा चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। एक तुम्हारी इंग्लिश समझने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्लीज यार इसे जाकर जरूर देखो, अगर नहीं आती इंग्लिश एक बार एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो यार इस चीज को। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।